अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी, यहाँ पे मैं बना रही थी, आज डोनट बना रही हूँ। मैंने सोचा रोज़ बिरयानी पुलाव ऐसे बना बना के तंग पा चुकी थी, आज मैंने सोचा आपके लिए कुछ नया करती हूँ। तो जी, यहाँ पे मैं डोनट बना रही हूँ। तो मैंने 3 चम्मच जो ना इसके मैदे के लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाने थे, थोड़े बनाने थे। ज़्यादा बनाओ फिर बचत नहीं, खाता कोई है ही नहीं। तो 1 चम्मच मैंने, 1 जो कप ना चीनी का, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। यही कप पर मैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, यही चीनी का 1 कप मैंने लिया था, क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, ज़्यादा मीठा कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं इसको 1 कप ये यूज़ किया है चीनी का। तो फिर भी माशाल्लाह ठीक थे, बहुत अच्छे थे, सही मीठा था, इतना कम भी नहीं था, इतना ज़्यादा भी नहीं था। तो 1 चम्मच मैंने जो बेकिंग पाउडर का डाला था, बड़ा चम्मच नहीं है, छोटा चम्मच है, मीडियम साइज़ का, वो डाला था। तो फिर इसके बाद जी आगे बारी, और आलू भी मैंने एक ही डाला था, क्योंकि ज़्यादा मैंने नहीं कहा, ज़्यादा बन जाएगा मिक्सर, बन जाएगा ज़्यादा, फिर कौन, बड़ी मेहनत होती है इसलिए। तो मशीन में आटा गूंथ रही थी, सर्दी थी, हाथों में तेल ज़्यादा गूंथने का, बहुत सर्दी लग रही थी, तो मैंने चलो मशीन में गूंथी आटा। उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें तो पड़ती नहीं है, चीनी थी और बेकिंग पाउडर था, और साथ था जी आलू एक। तो जी यहाँ पे फिर मैं रोटी बेल रही थी, तो मज़े की बात बताऊँ आपको, यहाँ पे मेरा फिर कैमरा नीचे गिर गया था। रोटी बेल रही थी, बेलते बेलते मेरा कैमरा नीचे गिर गया, तो मोबाइल थोड़ा सा उसका हो गया था, थोड़ा साइड से टूट टूट गया था, गेट नीचे गिर गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जी, ये देखिए मेरा कैमरा नीचे गिर गया था। तो फिर उसके बाद मैंने कैमरा उठा के दोबारा स्टैंड पर लगाने की कोशिश की, मगर नहीं लग रहा था। तो एक और मज़े की बात कि मेरे जो ना इसके वो नहीं मिले थे, जिनसे बनाती सांचे, वो नहीं मिले थे। तो मैं यहाँ पे फिर ग्लास की मदद से बना रही थी, क्योंकि दिखाना तो आपको एक चीज़ बनाने के मकसद है कि अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम ये ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, कप भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बस चीज़ हमारी अच्छी बननी चाहिए। तो ये देखें बड़े प्यारे बन रहे थे। और दूसरी एक और आपको मज़े की बात बताऊँगी कि जो उनके अंदर सुराख करने थे, डोनट के अंदर सुराख करने थे, वो मैंने किस चीज़ से किया है वो आप देखें। बड़े मज़े की आज जो मेरी वो बन रही थी ना रेसिपी, आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी मेरी रेसिपी, कि मैंने आज क्या किया, क्या बनाया है। तो जी ये देखें, तकरीबन एक रोटी से मेरे ख्याल में 8-10 बन गए थे। फिर मैंने ना दोबारा 2 बार ऐसे किया था, तो अच्छे खासे बन गए थे, प्लेट पूरी बन गई थी। तो मेरे हस्बैंड के फिर फ्रेंड नीचे बैठे हुए थे हॉल में, तो उनको चाय के साथ दे दिए थे। मैंने कहा आज चलो आज की डिश वो भी इंजॉय करें। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ, फिर आपको दिखा रही हूँ कि एक रोटी से कितने बने थे। तो जी बाकी देखो, रोटी पूरी हो चुकी है, बन चुके हैं जी, जितने मुझे चाहिए थे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, बस यही बनाते बनाते टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने सोचा आज खाना नहीं बनाऊंगी, खाना तो हम बाहर से खा के आए थे, तो मैंने खाने की वीडियो बनाई नहीं। मैंने कहा रोज़ ये देखें जो मैं उसका बोतल का कैप उसका उससे बना रही हूँ, सराह कर रही हूँ डोनट को। तो अब आपको मेरी नई नई रेसिपी मिला करेंगी आपको, ये देखें। आपको नई नई चीज़ें मिल रही हैं, कि अगर हमारे पास कुछ ना हो इस तरह घर में, कुछ भी हो, कितनी चीज़ों से बंदा कर लेता है, कि लाजमी तो नहीं हम जाके हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं, ऐसे हम करते रहें। रेसिपी हमने देनी है आपको पूरी, चाहे हमारे पास वो कुछ हो ना हो, रेसिपी हमने पूरी बनानी है। ये देखें कितने बन चुके थे, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बन चुके थे। तो फिर इनको अब मैं करूँगी फ्राई करूँगी, तो फिर देखिएगा आपको कि ये कैसे बनते हैं, बड़े अच्छे, बड़े मज़े के बने थे।
और बड़े टेस्टी बने थे, क्योंकि तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाए ये। तो ये देखिए सारे मुकम्मल बन चुके थे, यहाँ पे ये सारे रेडी हो चुके थे। ये देखें कितने अच्छे बने थे, बड़े प्यारे बने थे और बड़े ही मज़े के बने थे। तो जहाँ पे जी मैं फ्राई कर रही हूँ इनको, फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है और ऑयल में देख रही थी गर्म हो चुका है। तो पहले मैंने छोटे वाला डाला, मैंने कहा देखूँ ऑयल गर्म हो चुका है, तो ऑयल गर्म हो चुका था। तो ज़्यादा गर्म में नहीं डालना था, थोड़ा हल्का गर्म हो तो उसके अंदर डालना था। तो ऑयल मुझे गर्म हो, मेरे अंदाजे में तो गर्म हो चुका था, फिर मैंने डालना शुरू कर दिए और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। तो ये देखिए डोनट मेरे तैयार रेडी हो रहे हैं। ये देखिए सारे डोनट इस तरह मैं रेडी कर रही हूँ, दार से डोनट मेरे तैयार हो रहे हैं। आज ही मीठे वाले बनाए हैं, तो फिर कुछ दिनों के बाद बनाऊंगी दूसरे, ज़रा मीठे कम हों, चीनी के बगैर बनाऊंगी, क्योंकि चीनी वाले मीठे वाले हर कोई नहीं खाता है। तो मीठे वाले मीठे से कम ज़रा बनाऊंगी, थोड़े से शुगर वाले वो जैसे खाते हैं नमकीन, ऐसे थोड़े से बनाऊंगी, फिर आपको वो भी रेसिपी दूंगी। इनका कलर देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इनके ऊपर। बस मेरे पास सिर्फ ये थे कमी थी, सिर्फ चॉकलेट मेरे पास नहीं था, वो ऊपर लगा देती साथ, फिर वो ऊपर इनको डेकोरेट करने के लिए कुछ लगाते नहीं था। तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर आपको नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो और अच्छे बन जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स भी किया करें। इस तरह मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो जी यहाँ पे मेरे डोनट्स हो गए थे रेडी, कुछ रेडी हो गए थे, कुछ रेडी कर रही थी। आँच मैंने बिल्कुल स्लो कर ली थी क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, इसलिए मैंने इसकी आँच बिल्कुल लाइट सी हल्की सी कर ली थी कि ज़्यादा गर्म हो जाए फिर वो नहीं अच्छी थी। इनका थोड़ा सा लाइट कलर हो, पहले वाले थोड़े से डार्क हो गए थे, अब थोड़ा सा लाइट कलर वाले बनाऊंगी। ये थोड़े से लाइट बनाऊंगी। तो यहाँ पे जी डोनट हो रहे हैं रेडी और अभी इनकी आप ये आप देख रहे हैं इनकी फाइनल लुक। ये है इनकी फाइनल लुक, मज़ेदार से डोनट यमी से एंड टेस्टी से तैयार हो चुके हैं और कुछ तैयार हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।